हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल ब्लॉगर। और आज मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के, यहाँ गांव है सिसनिया गांव है, सिसोनिया गांव है सॉरी। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगभग 15 फीट लंबाई है जिसकी। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है मन्नत लेकर उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो अभी मैं एट ए टाइम मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ, और जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, ये जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये मंदिर है। और अंदर जाकर मैं मंदिर का व्यू आपको दिखाता हूँ, यहाँ के बारे में जो भी बातें हैं रहस्यमयी वो आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, अगर आप स्किप करते हो तो आप फिर इस जानकारी से रह जाओगे और बाद में पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की जो लोगों से जिस तरीके से मैंने सुना है वो यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। ये मंदिर में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हनुमान जी हैं, झरिया वाले हनुमान जी बोलते हैं इनको, और ये हनुमान जी की मूर्ति आपको पूरे भी भारत में नहीं मिलेगी कहीं भी। ये देखिए, ये बीच में क्या है, पाताल लोक के लिए गए थे ना, ये पाताल लोक के लिए जब गए थे चंडका, तो नीचे से चंडका जो थी उन्हें नीचे से निकाल के लाए थे, जो चंडी जो थी उन्हें नीचे से पाताल लोक से। अच्छा, देखिए एक का तो सिर पकड़ रखा है इन्होंने और एक को नीचे दबा रखा है पैरों से। ये देखिए आप जो वीडियो देख रहे हो, जब रामचंद्र जी को लेने के लिए गए थे उस टाइम की बात है। और मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ, तो दोस्तों जो झरिया वाले हनुमान जी हैं और यहाँ पर मुझे ये भाई मिले हुए हैं यहीं इस पर, तो ये बता रहे हैं मुझे यहाँ के बारे में, थोड़ा इनसे जानकारी लेता हूँ। ये जो हनुमान जी हैं कितने सालों से हैं लगभग, ये 11वीं सदी की, ये दोस्तों 11वीं सदी की मूर्ति है इस गांव में हनुमान जी की। और यहाँ पर ये सीधा पाताल लोक से ही निकले हुए हनुमान जी हैं, न ही किसी ने बनाया है, ना ही कोई यहाँ पर लेकर आया है, ये सीधा पाताल लोक से ही निकले हुए हैं हनुमान जी। तो इनके हाथ में जो ये है, ये कौन है, ये राक्षसनी है, राक्षसनी है जो इनका नाम चंडी है। ये जब पाताल लोक गए थे तो उन्हें पकड़ के लाए थे, सिर पकड़ कर, और एक राक्षसनी जो है वो पैरों के नीचे दबी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हो वीडियो में दोस्तों, वो पैरों से दबी हुई है। ये देखिए इस साइड में, ये जो आप देख रहे हो पैरों से दबी हुई है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ जो महाराज जी हैं, यहाँ के मेन जी, तो यहाँ से इनकी ज़ुबानी मैं यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, यहाँ पर क्या क्या मान्यता है, किस तरीके से वो है यहाँ की बात है, तो बताओ महाराज जी यहाँ पर कैसे क्या। ये बहुत प्राचीन नगरी है, ये उस जमाने की है जब मुरैना पिंड ग्वालियर कुछ नहीं था। यहाँ पर ये सोनिया और कुतवार है, इसको प्राचीन इतिहास के नाम से श्रवणपुर, उसको कुंतलपुर बोला जाता था। यहाँ का राजा श्रवणपुर था,
सोनपाल राजा की ये राजधानी थी। इस समय या बीच में खंडहर हो गया, अब जो यहाँ पर जो प्राचीन चिन्ह है उन तरह से प्रखंडमठ है। प्रखंडमठ एक प्राचीन इतिहास से कभी खंडहर खड़ा हुआ है। एक हनुमान जी मंदिर है, एक जैन मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है। ये सोनिया किले पे बसी है, इस किले की अभी एक गुरु अभी भी है। ऐसे इतिहास अब कुछ लोग कहते हैं 11वीं शताब्दी का कहते हैं, पर ये इतिहास तो युगों का है। क्योंकि कुछ कुतवार में कुंतलपुर में तो जब करण पैदा हुए थे, जब महाभारत बाद में करण का नाम आता है, कुंती थी माँ, सूर्यनारायण का रथ भी उतरा था, ये चिन्ह अभी भी मौजूद है। तो ये दोनों शहर एक ही थे उस जमाने में, अब अलग अलग हो गए हैं, ऐसा इसका प्राचीन इतिहास है। और तो महाराज जी आप यहाँ पर कब से हैं? हमको यहाँ जैसे यहाँ का जन्म ही हमारा इस मंदिर पे हमको 36 साल हो गई। 36 साल हो गए, वैसे यहाँ यहीं का जन्म है, यहाँ की सेवा वगैरह करने में ही इनको 36 साल हो गए महाराज जी को। तो क्या नाम है वैसे महाराज जी आपका? राधे श्याम नाम है महाराज जी का, और परमानेंट यहीं रहते हैं ये। आप कभी भी आए तो यहाँ पर महाराज जी यहीं मिलेंगे आपको। कौन सा गाँव महाराज जी बताया आपने? सिहोनिया नाम है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया गाँव। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अम्मा तहसील जो पड़ती है। तो दोस्तों आपको जैसा महाराज जी ने बताया होगा, मैं आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो और बाकी का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ की पूरी वीडियो शूट कर ली है, और जैसा कि मैंने एक भाई से भी आपका इंट्रू कराया था, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था, और अंदर जाकर महंत जी से भी मैंने आपको बताया था कि महंत जी ने क्या यहाँ की व्याख्या है, क्या किस तरीके से यहाँ की मान्यता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहेगा। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर, और बाकी की वीडियो देखिए।